ब्रो एंटलर डियर, जिसे हम आम भाषा में संगाई कहते हैं, एक मध्यम आकार का हिरण होता है। इनके सिंगों का आकार एक विशेष प्रकार का होता है, जिसमें भौं के ऊपर से निकली शाखा बहुत लंबी होती है, जो मुख्य बीम बनाता है। ये बीम भौं से निकली हुई दिखती है, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ा है। नर हिरण मादा से आकार तथा वजन में ज्यादा होते हैं। जाड़ों में इनका रंग गहरा लाल भूरा तथा गर्मियों में हल्का हो जाता है। संगाई हिरण केवल मणिपुर के कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। इन्हें सामान्यतः राष्ट्रीय उद्यान में स्थित लोकतक झील के दक्षिण पूर्व में तैरते हुए वनस्पति, जिन्हें फुम्दी कहा जाता है, के ऊपर देखा जा सकता है। ये मणिपुर के राज्य पशु भी हैं। फुम्दी इनके आवास स्थल का प्रमुख और जरूरी भाग होता है। ये एक तैरता हुआ आपस में गुथा हुआ पौधों का समूह होता है, जो कि बायोमास और ऑर्गेनिक मलबे से बनता है। तैरते हुए फुम्दी पर रहने की वजह से इन्हें डांसिंग डियर भी कहते हैं। इनमें रटिंग का समय बसंत ऋतु के दौरान फरवरी से मई माह के बीच होता है। इस दौरान नर हिरण मादा हिरणों के हरम पर नियंत्रण के लिए आपस में एक दूसरे से मुकाबला करते दिखते हैं। करीब 220 से 240 दिनों के लंबे गर्भाधान के बाद मादा सामान्यतया एक बच्चे को जन्म देती है। नए पैदा हुए बच्चों की त्वचा धब्बेदार होती है, जो समय के साथ धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। बच्चों की उम्र 7 माह होते होते उनकी मां के दूध के ऊपर निर्भरता खत्म हो जाती है और 18 महीनों में वो प्रजनन के लिए तैयार हो जाते हैं। प्राकृतिक आवास में इनकी आयु करीब 10 वर्ष होती है। 1950 के करीब इन हिरणों को विलुप्त मान लिया गया था, पर उसके पश्चात सन 1953 में 6 हिरण दिखाई दिए। कृत्रिम जलाशय के निर्माण की वजह से लगातार आने वाली बाढ़ इत्यादि की वजह से इन हिरणों के प्राकृतिक आवास फुम्दी में निरंतर गिरावट होती जा रही है, जो कि इनके लिए एक बड़ा खतरा है। संगाई हिरणों को अन्य खतरे मवेशियों से होने वाली बीमारी, आंतरिक प्रजनन और अवैध शिकार इत्यादि है। विभिन्न चिड़ियाघरों तथा मणिपुर स्थित प्रजनन केंद्रों में संरक्षण प्रजनन द्वारा इनकी घटती आबादी में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। वर्तमान में राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में इन हिरणों की आबादी भारत के किसी भी अन्य चिड़ियाघरों से ज्यादा है।